इसलिए दास हमेशा बेनती करता है, जो आपकी समर्थता हो, जो आपकी समर्थता हो सेवा किया करो। और एक बात बहुत ध्यान से दास यहाँ पे समझा दे, तीन तरह की सेवा होती है, तन की, मन की, धन की। हम धन की सेवा को सबसे बड़ी समझते हैं, पर गुरु साहब जी की नज़रों में धन की सेवा सबसे निचली है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, सबसे निचली सेवा धन की है। उत्तम सेवा है मन की। दास पहले भी कई बार ये बात कह चुका है, पर कई संगत नहीं है, थोड़ी सी बात समझ लो फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तम सेवा है मन की। कोई प्रोग्राम बनाना, कुछ सोचना जिससे संगत जुड़े। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जगह जगह पे जाके अमृत वेला शुरू करना, ये मन की सेवा है। एक बार कर दिया आदमी मर भी जाएगा, ये सेवा उसके साथ जलती रहेगी। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दूसरी सेवा है गुरु साहब जी के नजरों में तन की सेवा। जो शरीर से अपनी सेवा देते हैं, मेहनत करते हैं, वो धन की सेवा से ऊपर है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। फिर तीसरी स्थान पर आती है धन की सेवा, पर बशर्ते सच्ची सुच्ची कृत में से हो, बेईमानी के धन में से नहीं। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।